मैं सिर्फ आत्माओं से बात नहीं करता, आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती। ये तो हमारे से भी ज्यादा हरामी है। घंटा अंतर्यामी है, ये हमसे भी बड़ा हरामी है। तो फाइनली दोस्तों, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर यह हफ्ता भी बॉलीवुड के लिए एक बुरा हफ्ता साबित होने जा रहा है। और इस हफ्ते रिलीज होने वाली रणवीर सिंह की फिल्म जयेश भाई जोरदार इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी डिजास्टर साबित हो रही है। लेकिन दोस्तों, तेलुगु फिल्म सरकारुवारी पाता अपने शुरुआती चार दिनों में इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों, KGF चैप्टर 2 आज अपने 32वें दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही और इस हफ्ते रिलीज होने वाली बॉलीवुड फिल्म जयेश भाई जोरदार से ज्यादा अच्छी कमाई कर चुकी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन तीनों ही फिल्मों के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में और साथ ही साथ जानने वाले हैं दोस्तों, इस हफ्ते रिलीज होने वाली कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन और इस फिल्म के एडवांस बुकिंग कलेक्शंस के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इन फिल्मों का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं रणवीर सिंह की फिल्म जयेश भाई जोरदार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसके लीड में आपको रणवीर सिंह, शालिनी पांडे और बोमन ईरानी सर नजर आए हैं, जिसका डायरेक्शन किया है दिव्यांग ठक्कर ने। दोस्तों, बताते चले आपको कि यशराज बैनर के तले बनने वाली इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते लगभग 2000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, जहां पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो 3,25,00,000 रुपए की ओपनिंग ली। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं और यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म के जो सेकंड डे के कलेक्शन है उसमें थोड़ी सी ग्रोथ देखी गई और इस फिल्म ने कमाए 4 करोड़ रुपए। वहीं दोस्तों, अपने तीसरे दिन इस फिल्म के जो कलेक्शन से वो 4.5 करोड़ रुपए के आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, ये फिल्म अपने शुरुआती 3 दिनों में इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर तो 11,50,00,000 से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। लेकिन दोस्तों, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का अपने शुरुआती 3 दिनों का जो कलेक्शन है वो लगभग 19 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुका है। बताते चले दोस्तों आपको कि जयेश भाई जोरदार रणवीर सिंह के कैरियर की सबसे कम कमाई करने वाली फिल्मों के लिस्ट में शामिल होने जा रही है और बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप साबित हो रही है। बात की जाए दोस्तों यहां पर फिल्म सरकारुवारी पाता के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते ही रिलीज किया गया है। दोस्तों, परशुराम के डायरेक्शन में बनने वाली एक्शन ड्रामा फिल्म है सरकारुवारी पाता, जिसमें आपको महेश बाबू, कीर्ति सुरेश और वेनिला किशोर नजर आए हैं। महेश बाबू का दोस्तों एक्शन इस फिल्म में काफी बेहतरीन है, साथ साथ उनकी डायलॉग डिलीवरी भी इस फिल्म में काफी बेहतरीन नजर आ रही है। दोस्तों, बताते चले आपको कि इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर मात्र 60 करोड़ रुपए के बजट से बनाकर तैयार किया गया है, जिसने कि अपने पहले ही दिन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 75 करोड़ रुपए की शानदार ओपनिंग ली। ऑडियंस की तरफ से दोस्तों इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिल रहे हैं, हेटर्स इस फिल्म की नेगेटिविटी काफी ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, महेश बाबू के स्टारडम की वजह से यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही और जहां अपने पहले दिन इस फिल्म ने एक ब्लॉकबस्टर ओपनिंग ली, तो वहीं दोस्तों अपने दूसरे दिन भी इस फिल्म के जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहे वो 25 करोड़ रुपए के रहे। इसी के साथ दोस्तों, ये फिल्म अपने शुरुआती 2 ही दिनों में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी थी, जो कि दोस्तों बॉलीवुड में रिलीज होने वाली फिल्मों के लिए एक सपने जैसा बन चुका है। दोस्तों, बताते चले आपको कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से आज भी काफी अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं और काफी अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की वजह से दोस्तों इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां 9 करोड़ रुपए की एडवांस हासिल की थी और टोटल कमाई की थी 15 करोड़ रुपए की, तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का अपने तीसरे दिन का जो कलेक्शन है वो 22 करोड़ रुपए का रहा है, जिससे कि यह फिल्म अपने शुरुआती 3 दिनों में 122 करोड़ रुपए कमा चुकी है। आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 4th दिन है और आज की इस फिल्म की जो एडवांस है वो 8,68,00,000 रुपए की हो चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी एक बार फिर से 50% के साथ शुरू हुई है। संडे होने की वजह से दोस्तों आज भी इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो काफी शानदार आ रहे हैं और यह फिल्म आज अपने 4th दिन जहां इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 15 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है, तो वही दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का आज का कलेक्शन मिलाकर 20 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका होगा। इसी के साथ ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अपने शुरुआती 4 दिनों में 142 करोड़ रुपए की कमाई के साथ एक हिट फिल्म साबित हो चुकी होगी। वहीं दोस्तों, अब बात कर लिया फिल्म KGF चैप्टर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही और आज अपने 32वें दिन भी दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शंस है वो काफी फैंटास्टिक आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दे चले कि प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म KGF चैप्टर 2, जिसे कि बॉक्स ऑफिस पर 14 अप्रैल को हिंदी में जहां 4,500
10,000 स्क्रीन्स मिली थी, तो वहीं दोस्तों दुनिया भर में 10,000 से ज्यादा स्क्रीन्स मिली थी। अपने पहले ही हफ्ते में दोस्तों 750 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली KGF चैप्टर 2 ने अपने शुरुआती 4 हफ्तों तक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1172 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी, जिसमें दोस्तों इस फिल्म का जो हिंदी से कलेक्शन था वो काफी फंटास्टिक रहा और इस फिल्म ने 422 करोड़ रुपए की कमाई इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में की। बात की जाए दोस्तों इस हफ्ते के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों इस हफ्ते इस फिल्म के सामने बॉलीवुड की फिल्म जयेश भाई जोरदार, तेलुगु फिल्म सरकारवारी पाता भी रिलीज हो चुकी है। लेकिन दोस्तों KGF चैप्टर 2 की लहर रुकने का नाम नहीं ले रही और यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म ने जहां अपने 30वें दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस और ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ रुपए की कमाई की, तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो कलेक्शन था वो 5.5 करोड़ से ज्यादा का रहा था। दोस्तों अपने 31वें दिन भी इस फिल्म के जो कलेक्शन थे वो 6.5 करोड़ से ज्यादा के रहे। वहीं दोस्तों आज ये फिल्म अपने 32वें दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर रही है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो लगभग वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1180 करोड़ रुपए के आंकड़ों को आसानी से पार कर चुका है और ये फिल्म इंडियन हिस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है। आज के दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 3.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के आ रहे हैं और हिंदी में इस फिल्म का जो अभी तक का नेट कलेक्शन है वो 430 करोड़ रुपए के आंकड़ों को पार कर चुका है। दोस्तों बताते चले आपको कि KGF चैप्टर 2 हिंदी में 450 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल होने वाली दूसरी फिल्म बनने वाली है और इंडियन इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म बन चुकी है। बात की जाए दोस्तों यहां पर कार्तिक आर्यन की मच अवेटेड फिल्म भूल भुलैया 2 के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन और इस फिल्म की एडवांस बुकिंग कलेक्शंस के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि भूल भुलैया 2 जो कि अक्षय कुमार की सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म भूल भुलैया का सिक्वल है और इस फिल्म का डायरेक्शन करने वाले हैं अनीस बज्मी। कार्तिक आर्यन, तबू और कियारा आडवाणी इस फिल्म में आपको लीड करते हुए नजर आने वाले हैं, जो कि एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते लगभग 3000 स्क्रीन पर रिलीज करने की प्लानिंग चल रही है। दोस्तों बताते चले आपको कि कार्तिक आर्यन की इस फिल्म के ट्रेलर को ऑडियंस की तरफ से मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे, हालांकि दोस्तों इस फिल्म के गानों को और इस फिल्म के प्रोमोस को ऑडियंस पसंद कर रही है। यही वजह है दोस्तों कि कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां अपने पहले दिन एक बंपर ओपनिंग लेते हुए इस साल की टॉप 3 हाईएस्ट ओपनर फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने वाली है और बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन 10 करोड़ से बड़ी ओपनिंग ले रही है, तो वहीं दोस्तों इस फिल्म का अभी तक का जो एडवांस कलेक्शन है वो 1,20,00,000 रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। ये फिल्म दोस्तों अगर बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ से बड़ी ओपनिंग लेती है तो अजय देवगन की फिल्म रनवे 34, रणवीर सिंह की फिल्म जयेश भाई जोरदार और इस साल रिलीज होने वाली अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे को छोड़कर सभी बॉलीवुड फिल्मों से आगे निकल चुकी होगी और बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर ट्रेंड कर रही होगी। अब देखना यही है दोस्तों कि क्या कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस को पसंद आती है या नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की ओपनिंग लगी? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।